सो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाईफाई राउटर्स के बारे में। बेसिकली फ्रेंड्स, जब भी आप मार्केट में जाते होंगे वाईफाई राउटर्स खरीदने के लिए, तो वहां पर आपको दो टाइप के राउटर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। पहला है 2.4 GHz का और दूसरा 5 GHz का। तो फ्रेंड्स, यहां पे बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि उनके लिए कौन सा राउटर बेस्ट रहेगा उनकी नीड के हिसाब से। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, एंड एट दी एंड ऑफ दी वीडियो आपको ये ज़रूर से पता लग जाएगा कि आपके लिए कौन सा राउटर बेस्ट रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसको। सो यू नो फ्रेंड्स, जब वाईफाई राउटर बने थे तो जो उनकी फ्रीक्वेंसीज होती थी वो होती थी 2.4 GHz की। कभी भी डेटा को एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक ट्रांसफ़र होने के लिए एक वेव की ज़रूरत पड़ती थी, स्पेशली जब वायरलेस डेटा ट्रांसफ़र हो। तो जितने भी कंपोनेंट होते थे, जैसे ब्लूटूथ हो गया या फिर राउटर हो गया, तो उनकी जो वर्किंग फ्रीक्वेंसीज होती थी वो होती थी 2.4 GHz की। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो प्रॉब्लम होने लगी कि जब आप एक ही जगह पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस यूज़ करते थे, तो उससे एयर में जो डेटा ट्रांसमिशन होता था उससे आपके जो डेटा पैकेट्स है वो कुछ लॉस हो जाते थे। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से आपको कभी कभी आपके 2.4 GHz वाला राउटर स्लो लगने लगता है। तो ये काफ़ी गंभीर प्रॉब्लम थी उन लोगों के लिए जो लोग वाईफाई राउटर को एज अ मीडियम यूज़ करते थे डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए। इंटरनेट के लिए तो 2.4 GHz तक तो ठीक था, पर जब बात आती है ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र करने की, ज़्यादा बैंडविड्थ की, तो यहाँ पर 2.4 GHz वाला राउटर प्रॉब्लम करता था। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर एंट्री होती है 5 GHz वाले राउटर की, जिसकी फ्रीक्वेंसी दोस्तों डबल से भी ज़्यादा थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर डबल फ्रीक्वेंसी का मतलब है डबल बैंडविड्थ और ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र रेट। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इनके डिफरेंस के बारे में कि जो 2.4 GHz वाला राउटर है वो एग्जिस्ट ही क्यों करता है। फ्रेंड्स, बचपन में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, कोई भी वेव जिसकी जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है उसकी वेलोसिटी उतनी ही कम होती है, मतलब कि जो रेंज होती है वो भी उतनी ही कम होती है। तो यहाँ पर एक चीज़ तो ये क्लियर हो जाती है कि 5 GHz वाला जो राउटर है उसकी रेंज जो है वो काफ़ी कम होती है। 2.4 GHz वाले राउटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो भले ही कम है, लेकिन उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा होती है। 5 GHz में आपको भले ही ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र और कम इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस मिले, पर इसके बदले आप अपनी रेंज गंवा रहे हैं। इस ग्राफ से आप समझ सकते हैं कि जिस तरह हमारा डिस्टेंस बढ़ता जाता है उसी तरह स्पीड जो है वो भी ड्रॉप होती जाती है। 5 GHz में आप दोस्तों ये नोटिस करेंगे कि 10 मीटर से ज़्यादा डिस्टेंस जाते हैं तो स्पीड किस तरह से ड्रॉप हो जाती है। मतलब ये चीज़ साफ दिख रही है कि 5 GHz में 10 मीटर के बाद से हमारी रेंज काफ़ी कम हो जाती है। यहीं अगर हम बात करें 2.4 GHz की, तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि स्पीड भले ही कम है लेकिन रेंज बिल्कुल कांस्टेंट है। 2.4 GHz की मैक्सिमम स्पीड की बात करें तो ये केवल 400 से 600 मेगाबिट पर सेकंड ही ऑफर करता है। वहीं अगर 5 GHz की बात करें, जो अच्छे वाले राउटर होते हैं वो 3 GBPSP की स्पीड देते हैं। वहीं अगर आप बजट सेगमेंट पर जाएंगे तो एटलीस्ट 1 GB की स्पीड तो आपको मिल ही जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब ये बात करते हैं कि आपको राउटर कौन सा लेना चाहिए, 2.4 GHz वाला या 5 GHz वाला। सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ देखनी होगी कि आपकी नीड क्या है। अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स नए हैं जिसपे आप वाईफाई का यूज़ करना चाहते हैं, जैसे आपका मोबाइल हो गया या फिर आपका लैपटॉप हो गया, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो 5 GHz सपोर्ट करते हों। आपको बस ये देखना होगा कि आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट कौन सा वाईफाई सपोर्ट करते हैं। अगर ये 5 GHz सपोर्ट करते हैं तो आपके लिए ये ठीक ऑप्शन रहेगा। 5 GHz दोस्तों आपको ज़्यादा बैंडविड्थ देता है, ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र देता है और कम इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस भी देता है। तो दोस्तों, 5 GHz उनके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा जो वाईफाई पर गेमिंग करते हैं। हालांकि मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा वाईफाई पर गेमिंग के लिए, बल्कि कि उसके लिए लैन बेस्ट ऑप्शन रहेगा। वहीं अगर 2.4 GHz की बात करें, तो अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पुराने हैं और आपका घर थोड़ा बड़ा है, 2 से 3 फ्लोर का है, और आपके जो यूज़र्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं, तो 2.4 GHz आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन दोनों वाईफाई राउटर्स के बीच के डिफरेंस के बारे में पता चल गया होगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।